हेलो बच्चों तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पहले मिरर फॉर्मुला का प्रूफ किया था जो कि एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप सभी बोर्ड के बच्चों के लिए वैसे इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं लेंस फॉर्मला देखो ये सिक्योरिटी के लिए ज्यादातर वैसे तो मिरर फॉर्मला ही पूछा गया लेकिन गलती से उन्होंने बोल दिया कि नहीं प्रूफ करो की रिले, रिलेशन निकालो एफ और यू और वी के बीच में फोरक कॉन्वेक्स लेंस तब क्या करेंगे हम तो मिरर का सीखा था इसलिए मैं मिरर और लेंस दोनों ही सिखा दे रहा हूँ सेम काम करना है देखो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो भी देख लेना समझ में आ जाएगा भाई साहब तो चार छोटे छोटे स्टेप फॉलो करने छोटे छोटे चार स्टेप है सबसे पहला स्टेप क्या है फिर से डायग्राम बनाना है हमको है ना डायग्राम बनाते ही आपको दूसरा काम करना है कि दो दो सिमिलर ट्राइंगल पकड़ना है जो उसमें पड़ा था सेम चीज दो सिमिलर ट्राइंगल को पकड़ना है और फिर अपने पास तीसरा काम क्या है सब्सटीट्यूशन सेम सब्सिट्यूशन है कुछ नहीं दो दो लाइन के हैं ये सारे पॉइंट सब्सिट्यूशन करेंगे हम और उसके बाद लास्ट करेंगे डिवाइड

उसके बाद हमको लेना है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट ले लो जिसका नामकरण करेंगे हम पहले ट्राइंगल जैसा दिखाते हैं ऑब्जेक्ट कुछ बच्चे डंडा खींच के छोड़ देते हैं भाई साहब ये ए है ये बी है और फिर से वही काम करना है दो रेस लेके इसका इमेज बनाना है आ जाओ सबसे पहले तो एक पैरल रे लेके जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के एरो बनाना कंपलसरी है और ये पैरल रे कहा जाती है फोकस से तो उसको फोकस से सीधे सीधे गुजार दो ठीक है ऐसे करके हमने गुजार दिया दूसरा जो रे है अपने पास वो जाएगा ऑप्टिक सेंटर ओ से इसको ओ मार्क कर देना ठीक है एक सीधे रे इसके माथे से लेके आओ ऑप्टिक सेंटर पे लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि पहले ही इमेज बना लेना ताकि बाद में दिक्कत ना हो इमेज कहां बनेगा एफ और टू एफ के बीच में ऐसे करके ठीक है ये अपन ने इमेज बना दिया और फिर इसको इसके माथे से जोड़ दो ये काम आसान काम होता है ट्रिक होता है ताकि आपके रे डायग्राम में गलती ना हो ना टू एफ के बगल में बन जाता तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपने एफ के इधर रखा है तो इमेज एफ टू एफ के बीच में बनना चाहिए इसका भी कर इमेज दो दो है? <coughs> है? तो है तो इमेज है डिस्टेंस को हम क्या कहते, है? v कहते हैं दोनों ही राइट right साइड में इसलिए प्लस लेंगे लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके ओ तक वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहलाएगा और उसको हम माइनस में लेंगे कहा है कि लेफ्ट में इतना काम करने के बाद अब एक बोल रहा उसमें भी एक डॉटेड लाइन था यहां पे भी एक है। एक को कह दो पी ये वाला पॉइंट जो है हमारा पी समझ जाना ऐसे करके ठीक है डायग्राम आपका हो गया कंप्लीट पहला काम हो गया छोटा सा देखो चार चार स्टेप है बस छोटे छोटे तो ये डायग्राम कंप्लीट हुआ अपने पास उसके बाद दूसरा काम क्या करना है दो सिमिलर ट्रायंगल देखो मैं बताता दू कौन कौन से ट्रायंगल सबसे पहला ट्रायंगल पकड़ो सिंस सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे सिंस ट्रायंगल

<coughs> दोनों ट्रेंगल में कि आपको हाइट अपॉन में हाइट बेस अपॉन में बेस मतलब क्या है कि इसका हाइट अपॉन में इसका हाइट इसका इसका बेस में इसका बेस अपॉन में सेम काम आ जाओ हाइट कितना, कितना है इसका ए बी अपॉन में इसका हाइट कितना है ए डैस इज में इसका बेस इसका बेस कितना है ए ओ और इसका बेस कितना है ए एडेस ओ ए एडेस ओ लिख दिया इक्वेशन नंबर वन कंप्लीट दूसरा ट्रेंगल हम आगे ले लेते हैं यहां पे ऐसे करके अब दूसरा ट्रेंगल मैं आपका नाम बता रहा हूँ सिंस, 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 ओ एफ ढूंढो देखो पी, ओ एफ ये वाला ट्रेंगल, मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूं ऐसे करके। ब्लू कलर से मार्क किया ये वाला ट्राइंगल दिखा डबल क्रॉस कर देते हैं ताकि अलग दिखेगा ठीक है अब दूसरा ट्रेंगल है सिमिलर टू ए एडेस बी डे और एफ ढूंढो एफ होगा एफ एफ एडस बी और एफ ये रहा है ना तो ये वाला ट्राइंगल अलग से इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं ऐसे करके ठीक है ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर है दोनों का सेम काम करेंगे इसका पीओ है अपॉन में इसका हाइट कितना है एडेस बी डैस है ना एडेस बी डेस इज टू में इसका बेस ओ से लेके एफ तक ओ एफ अपॉन में इसका बेस एडेस एफ

दोनों में एल बराबर है तो आर तो बराबर रखेंगे ही ना तो हम बोलेंगे यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहला था ये दूसरा स्टेप हमने यहाँ किया तीसरा हम यहाँ कर, तो दो, तो कर रहे हैं ठीक है जगह बचा रहे हैं थोड़ा सा तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर दोनों में एल बराबर आर एच बराबर करेंगे हम लिखेंगे ए ओ जो है उसके बराबर है ना इजकल टू में लिखेंगे हम ओ एफ अपॉन में ए डे एफ ऐसे करके दोनों के आर को बराबर कर अब छोटा सा काम करना है देखो दो सिमिलर ट्रैंगल भी हो गया अब सब्सटीट्यूशन का काम करना है सब्सटीट्यूशन मतलब क्या देखो ए ओ का ए ये रहा ए तो ए किसके बराबर है यू लेकिन लेफ्ट में इसलिए माइनस का यू लिखेंगे मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे ए की जगह में इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है तो ए ओ की जगह में आप लिखोगे माइनस का यू सही बात है ए एस ओ देखो ए एस ये रहा ओ ये रहा ये किसके बराबर है वी के इमेज डिस्टेंस लेकिन लेफ्ट राइट में इसलिए प्लस में वी लिखा जाएगा इजकल टू में अपने पास दूसरा है ओ एफ ओ कहाँ है ये रहा एफ कहा है ये रहा ओ एफ किसके बराबर फोकल लेंथ के और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का तो प्लस में होता है तो एफ लिखेंगे अपॉन में एड एफ निकालना है देखो एड एस एफ एड एफ यहां से लेके यहां तक की दूरी बस इतनी दूरी चाहिए मेरे को तो ये कैसे निकालोगे नीचे आ जाओ देखो यहां से हमें पूरा क्या है वी और यहां से हमें एफ तो वी माइनस एफ समझ रहे हो वी माइनस एफ करेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी तो सीधे एड एफ की जगह हम आप लिख दोगे वी माइनस एफ बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो आंसर देखो तीन छोटे मोटे काम है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आज देखो वी तो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस का यू वी हो जाएगा राइट लेकिन एफ को करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस का यू एफ इजकल टू में ये इधर जाके प्लस का वी एफ रहेगा सही बात है अब डिवाइड कर दो बस बाई डिवाइडिंग बाई डिवाइडिंग अब अब इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे यू वी एफ से डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर में क्या था ये सेम इक्वेशन पहले लिख देता हूँ आपके लिए यू एफ एज गल्टू में वी एफ ऐसे करके सेम साथ उतार दिया अब दो तीनों को डिवाइड कर दो इसको भी डिवाइड कर दो इसको भी डिवाइड कर दो इसको भी किससे यू वी एफ से यू वी एफ से और यू वी एफ से ऐसे करके कट्टिस कट्टिस खेलेंगे अब देखो यू वी से यू वी गया माइनस का वन अपॉन में एफ बचा है ना यहाँ पे यू से यू जाएगा और एफ से एफ जाएगा वी बचेगा वन अपॉन में वी प्लस में और यहाँ पे वी से वी एफ वी एफ से वी एफ कट जाएगा वन बाई यू बचेगा पे minus f, यहाँ पे बचा माइनस का वन अपॉन में एफ इजकल टू में नहीं सॉरी प्लस बी है यहाँ पे प्लस में वन अपॉन में वी बचा हुआ है और इजकल टू में वन अपॉन में यू बचा हुआ है बस एफ को इधर लेके चले जाओ यू को इधर लेके आ जाओ देखो तो यू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो पहले मैं वी को लिख देता हूँ वन अपॉन में वी को लिखा पहले फिर ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में माइनस का वन अपॉन में यू इजकल टू ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का प्लस का वन अपॉन में एफ का यही हमारा मिरर फॉर्म सॉरी लेंस फॉर्मुला है जल्दी से देख लो सेम फॉर्मूला निकल गया डेरिवेशन कंप्लीट हुआ आपका तीन नंबर का आ सकता है अब चाहे आपको मिरर फॉर्मला पूछ ले एग्जाम में या फिर आपको पूछ ले लेंस फॉर्मला आपको दोनों आता है तीन नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा आप इजली सॉल्व कर पाओगे एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर लेना मैं हट जाता तो जल्दी से चाहो तो स्क्रीन ले लो आप बाकी हमारे टेलीग्राम पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताते रहना हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे तब तक के लिए बाय बाय